जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया बाय साहित्य अकेडमी फॉर क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इन इंडिया। ऑप्शन ए, हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ओवर 1500 to 2000 ईयर्स। बी ऑप्शन, बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर टेक्स्ट दैट इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। सी, ओरिजिनली लिटरेरी ट्रेडिशन नॉट बॉरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। एंड डी ऑप्शन, नो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स ऑफ और ऑफ शूट्स। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन वुड बी डी। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव टू आइडेंटिफाई नॉट विच इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा स्टेटस पाने के लिए विच इज़ द नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया। सो ऑप्शन इज हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डिंग हिस्ट्री ऑफ ओवर 1500 to 2008, दैट इज करेक्ट। सेकेंड, इट शुड बी अ वैल्यूएबल हेरिटेज कंसिडर्ड बाई जनरेशन ऑफ स्पीकर्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, इट्स ओरिजिनली लिटरेरी ट्रेडिशन एंड नॉट बॉरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वाई, नो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन, देयर कुड बी अ डिसकंटिन्यूटी इन क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म। सो करेंटली इन इंडिया देर आर 6 लैंग्वेजेस विच हैज़ बीन अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। तमिल हैज़ तमिल इन 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ा 2008, मलयालम 2013, एंड द रीसेंट मोस्ट रीसेंट इज़ द ओडिया सिंस दैट वॉज अकॉर्डेड इन 2014। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 से, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सेकेंड, प्रोविजन ऑन प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर। थर्ड, कंप्लीट डिसएग्रीमेंट विद वर्ना सिस्टम। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर द फीचर ऑफ जैनिज्म। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 only, 1, 2 and 3। सो करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली। जैनिज्म बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑल्दो वो ईश्वर को जिन के बाद स्थान देते थे, जिन उन्हें कहते हैं जिन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया होता है। सेकंड, प्रोविजन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, क्यों ऑब्वियसली क्योंकि वो अहिंसा में बिलीव करते थे, तो युद्ध और कृषि कार्यों, युद्ध और बेसिकली कीटनाशकों की या पशुओं की मृत्यु के अगेंस्ट थे। सो दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैव जॉइंड द जैनिज्म। थर्ड स्टेटमेंट से, कंप्लीट डिसएग्रीमेंट, कंप्लीट इज एक्सट्रीम वर्ड, डिसएग्रीमेंट विद वर्ना सिस्टम। इफ़ यू टॉक अबाउट कंपेरेटिवली, सो बुद्धिज़्म से उन्होंने कम बेसिकली उस वर्ना सिस्टम का विरोध किया था। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन 1 and 2 ओनली आर द करेक्ट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आमिर खुसरो। He was a disciple of this Sufi saint, Hazrat Nizamuddin Aulia. He evolved a new style of music referred to as Qawwalis. He created new form of poetry known as Sabak-e-Hind or the Indian style. Which of the following statement given are correct? 1 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. So answer for this question would be 1, 2 and 3. That means all statement are correct. He was a disciple of the saint, Sufi saint, Hazrat Nizamuddin Aulia ji. He evolved Qawwalis, a new form of poetry, Sabak-e-Hind, and lot more. Amir Khusro basically is a mystic, philosopher, musician, literature, and he basically enjoyed the pattern of 7 successive Sultanate. Delhi Sultanate mein 7 sultanon ka kaal usne dekha tha. Aur ek aur important thing usne खजाइन उल फुतू, जो अलाउद्दीन की विजयों के बारे में है, उसके बारे में भी बात करता है, और तुगलकनामा पे भी उसका काम है, जो बेसिकली गयासुद्दीन तुगलक के उदय से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 14, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड द टर्म गोगना रेफर टू अ गेस्ट हु वाज फेड बाय सेक्रीफाइजिंग अ कैटल, अ प्लेस वेयर मैन एंड वुमेन गैदर्ड फॉर फेस्टिव सेलिब्रेशंस, अ रिचुअल इन्वॉल्विंग रिदमिक चैंटिंग ऑफ वैदिक मंत्रास, अ पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेटनरी सर्विसेज टू काउज इन द एरिया. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी ए, अ गेस्ट हु वाज फेड बाय सेक्रीफाइजिंग अ कैटल. सो लेटर वैदिक की अगर हम बात करें, वैदिक काल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सो लेटर वैदिक में बेसिकली कर्मकांड काफ़ी बढ़ गए थे, जिनमें से यज्ञ काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे. यज्ञ केवल न केवल राजाओं के द्वारा बट व्यक्तिगत स्तर पर भी यज्ञ करवाए जाने लगे, जिसमें पशुओं की बलि ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी. तो दिस इज सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन. क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रेफरेंस टू टर्म्स प्रिवेलेंट ड्यूरिंग मराठा एज. मजूमदार, अकाउंटेंट, दाबीर, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, सरी ए नौबत, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंट पोस्ट एंड हाउस होल्ड अफेयर, वाक्यनवी सेनापति. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्टली मैथ स्टेटमेंट. 1 and 2, 1, 2 and 3, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. सो करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली. वाई 1 and 2 ओनली? मजूमदार बेसिकली ये लेखाकार को कहते थे, दैट इज अकाउंटेंट. दबीर मास्टर ऑफ सेरेमनी. सरी ए नौबत बेसिकली सेनापति को रेफर किया जाता था. वाक्यनवीस बेसिकली खुफिया पत्र व्यवहार से संबंधित थे. और इसके बारे में जाने तो शिवाजी महाराज का बेसिकली राज्याभिषेक 1674 में हुआ था रायगढ़ फोर्ट में. और उनके राज्य में अष्ट प्रधान बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती थी, जिसमें से पेशवा आपका सबसे शक्तिशाली होता था. उसके बाद आपका सरे नौबत, दैट इज सेनापति. और इसके अलावा जैसे मजूमदार हमने डिस्कस किया, अकाउंटेंट, वाक्यानिवीस खुफिया पत्र व्यवहार के लिए, और सूरनवीस चिटनवीस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड न्यायाधीश और पंडित राव बेसिकली आपके जस्टिस एंड धार्मिक कर्मकांड से संबंधित थे. क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. सो फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ बाउंड्री वॉल, प्रेजेंस ऑफ गोपुरम, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक. सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट 1 and 3, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 3. सो करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3, दैट इज बी ऑप्शन. बिकॉज बाउंड्री वॉल्स इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द्रविड़ा सिस्टम. सो द्रविड़ा सिस्टम बेसिकली हमारे साउथ इंडिया पार्ट में लोकप्रिय मंदिर कला थी. उत्तर भारत में आपका बेसिकली नागर शैली, फिर बेसर शैली, और फिर दक्षिण पार्ट में हमारा द्रविड़ सिस्टम लोकप्रिय था. तो ये एक उदाहरण है द्रविड़ मंदिर का, स्टार्टिंग फ्रॉम गोपुरम. गोपुरम जहाँ से आप एंटर करते हैं, देन मंडपम, द ट्रांजिशन बिटवीन द मेन टेम्पल दैट इज गर्भगृह, जहाँ पे आपका मेन डाइटी रखा, डाइटी का स्थान होता है. विमानम, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को विमान कहते हैं हम. एंड अंत में शिखरा. सो दीज आर द फ्यू फीचर ऑफ द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अगर हम बात करें तो. क्वेश्चन नंबर 17 सेज, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांसेस. सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज भरतनाट्यम इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी म्यूजिक, वाइल ओडिसी डांस इज बेस्ड ऑन कम्प्लीटली ऑन कर्नाटिक म्यूजिक. सेकेंड, त्रिभंगा पोस्चर एंड हैंड मुद्रास, हस्त मुद्रास आर फाउंड इन भरतनाट्यम बट नॉट इन ओडिसी. थर्ड स्टेटमेंट से, वाइल भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल ऑफ तमिलनाडु, ओडिसी डांस हैज़ रूट इन विलेज ऑफ विलेज फोक्स ट्रेडिशन. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट. 1 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. सो इसमें से ऑल नन ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वाई, जस्ट हैव अ लुक एट. भरतनाट्यम बेसिकली आपका इज नॉट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन हिंदुस्तानी, इट इज़ बेस्ड ऑन कर्नाटिक म्यूजिक. वाइल ओडिसी इज ओडिसी डांस इज बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक. सो दैट वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. त्रिभंगा पोस्चर एंड हैंड मुद्राज आर फाउंड इन भरतनाट्यम एंड नॉट इन ओडिसी, दैट इज़ रॉन्ग. त्रिभंगा, हस्त मुद्राएँ, ये सब भाव मुद्राएँ बेसिकली दोनों भरतनाट्यम एज वेल एज ओडिसी में पाई जाती हैं. और थर्ड स्टेटमेंट बेसिकली, वाइल भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन टेम्पल
ओडिसी डांस हैज़ रूट्स इन विलेज फोक. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. वाई? बिकॉज बोथ भरतनाट्यम एज वेल ओडिसी हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन टेम्पल्स, राइट? तो जैसे भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु के टेम्पल में, ओडिसी आपका ओडिशा के टेम्पल्स में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. इक्ता, शिका, परगना. सो 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2. सो करेक्ट वुड बी 3, 2, 1. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. सो परगना सबसे स्मॉलेस्ट होती है, शिक एंड इक्ता. बेसिकली दिल्ली सल्तनत में बेसिकली राज्यों को या प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, और इनके जो गवर्नर होते थे उसे मुक्ति या वली कहा जाता था. फिर इक्ता आपके फर्दर डिवाइड थे आपके बेसिकली शिकाज में, जिनको शिकदार के द्वारा रेगुलेट किया जाता था. फिर शिका आपके फर्दर डिवाइडेड थे परगना में, जिनको आपके आमिल के द्वारा रेगुलेट किया जाता, नियंत्रित किया जाता था. आमिल में बेसिकली या परगना में बेसिकली यूनिट बहुत सारे नंबर ऑफ विलेजेस होते थे, और इनको विलेज को, पर्टिकुलर विलेज को अगर हम बात करें तो मुकदम या चौधरी के द्वारा शासित किया जाता था. 19 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सील्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, कॉपर वॉज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट यूज टू मेक द सील. सेकेंड, सील्स फॉर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन्स. थर्ड, रिलीजियस सिंबल्स आर नॉट फाउंड इन हड़प्पन साइट. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. 2 only, 1, 2 and 3, 1 and 2 only, 1 and 3 only. सो करेक्ट वुड बी 2 only. दैट मीन्स 1 and 3 आर रॉन्ग. सो कॉपर वॉज नॉट द मोस्ट कॉमन मेटल यूज फॉर सील इन हड़प्पन सिविलाइजेशन. सेलर खड़ी या स्टीटाइट मोस्ट कॉमनली आपका एलिमेंट था. सेकेंड, येस इट हैज़ बिन यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, जैसे ताबीज़ हो गया, उस प्रकार में कि कुछ साक्ष्य मिले हैं. और रिलीजियस सिंबल नॉट फाउंड इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज स्वास्तिक के कुछ चिन्ह और कुछ मिली हैं मुद्राएं जिन पे आपके कुछ धार्मिक प्रतीक आपके मिले हैं. सो लास्ट क्वेश्चन, With reference to megalithic culture of South India, dolmen, cairns and mehits are types of weapon used for hunting, burial practices, pottery, agriculture food. So these three are basically burial practices. Shavadhan prathayen hoti thi. So and mehir was recently in news. So that's why this question becomes, or similar questions can be asked in prelims 2020. So this is all for this session. Thank you. Jai Hind.